नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कोरोना से बचने के तरीके हैं वो तुम ना हुए मेरे। ये थोड़ा फनी था। ठीक है। So cliche, I see the sparks you throw my way, I know your name is real। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। और अभी टाइम हुआ है 10 और हम 8 बजे से घर से चले हुए हैं और आज हम जा रहे हैं शिमला। शिमला हम किसी ट्रिप के मोटिव से नहीं जा रहे, कहीं घूमने नहीं जा रहे। आज है मेरी बहन का एंट्रांस एग्ज़ाम और उसी के चक्कर में हम जा रहे हैं। तो एक टास्क दिया है हमारे लिए, जो एड्रेस दिया है एंट्रांस के एडमिट कार्ड पे, वहाँ पे प्रॉपरली लिखा नहीं है कि कौन से स्कूल में जाना है, तो उसको भी ढूंढना पड़ेगा अच्छे से। बाद में अगर टाइम लगा तो शिमला में घूम के आए। वैसे रास्ते में अगर आपको चलते चलते हमें पहाड़ियाँ दिखाएंगे तो आप इनसे गुजारा कीजिएगा। चलो फिर। और आज हम जा रहे हैं अपने मौसा जी के साथ और मैं पहली बार मौसा जी के साथ बैठा हूँ गाड़ी में। अभी मैं बात बताऊँ कि मेरे मौसा जी चंडीगढ़ से रात को ड्राइविंग करके आए हैं सुबह, और ना सोए हैं ना कुछ, और इनको झपकी ना लगे तो इसके लिए हम इनका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए आप भी हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हमारे इस चैनल को, और बाकी आपको हम दिखाते रहेंगे। ठीक है, ओके। किसी की मुस्कुराहटों पे होने सा, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे होने सा, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे होने सा, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे होने सा। तो दोस्तों, कुछ घंटों के सफ़र के बाद हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और इसके बाद हमारा 1:30 बजे है रिपोर्टिंग टाइम और उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो तब तक हमने पूरा सिस्टम देख लिया है यहाँ पे कि कहाँ से जाना है और कहाँ एग्ज़ाम सेंटर है। और अभी एक हमारे साथ किस्सा हुआ कि हमारी गाड़ी लगी थी धूप में और हम एक गाड़ी वाले को देख रहे थे जिसने छाया में लगाई थी, और उसको देखते जा रहे थे कि कब वो अपनी गाड़ी निकालेगा और हम अपनी गाड़ी घुसा देंगे वहाँ पे। और उसने अभी गाड़ी निकाली और हमने झट से वहाँ अपनी गाड़ी घुसा दी है, और अब हम छाया में हैं। और अभी जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो हम थोड़ी सी चपकी लेंगे। और यहाँ से दूरी पर तारा देवी का मंदिर है, और जो कि बहुत प्रख्यात मंदिर है, मान्यता है उसकी कि वो माता लक्ष्मी जी का मंदिर है और वहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो आप ऐसी जगह पे आएँ, घूमें, मज़ा करें और हमारे ब्लॉग को देखते रहें। ओके। हाँ जी दोस्तों, तो अभी 2 बज चुके हैं। शिट यार, अब मेरे को ऐसे पकड़ना पड़ेगा। अभी यहाँ फ़ोन रखने की ना मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं यहाँ रखता हूँ। यहाँ रखूँ? हाँ यार, यहाँ शिट यहाँ नहीं आ रहा। हाँ, तो अभी बज चुके हैं 2 और बहन का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है करीब 3 बजे से, और 3 से 4:30। तो अभी मैं उसको छोड़ के गया तो वहाँ जो लाइनें लगी थी और सोशल डिस्टेंसिंग थी, वो करीब तिनका फेंकने की जगह नहीं थी वहाँ पर, तिनका फेंकने की जगह। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से केस बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह से हमारी सोशल डिस्टेंसिंग, हमारा और जो कोरोना से बचने के तरीके हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। शिमला का मौसम ना बहुत ही ठंडा है, और यहाँ पे जब धूप लगती है तो थोड़ी सी गर्मी लगती है। अगर आप हमारे बिलासपुर में होते तो बिलासपुर में आप मतलब कि जैसे आग होती है वैसे पसीने निकल जाते, पर यहाँ शिमला में बहुत एक अच्छा मौसम है और पहाड़ियाँ देख के तो थोड़ा सा मज़ा और ज़्यादा आ जाता है। अभी समय हो रहा है 4:50 और अभी हम चल पड़े हैं शिमला से। बोलती तो है कि पेपर अच्छा हुआ है, अब देखते हैं रिजल्ट पे। आप सभी लोग दुआ करना कि इसका निकल जाए इस बार। और बाकी तो हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर थोड़ा बहुत होता तो हम भी कर देते। और एक बात है कि जब भी आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो थोड़ा सा एडवेंचरस होना पड़ता है, क्योंकि कब आपको बारिश लग जाए और किसी पहाड़ी इलाकों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भूस्खलन ज़्यादा होता है तो एक डर सा बना रहता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। रोड तो साफ ही हैं और रोड का तो कोई डर नहीं है। बाकी हम शिमला नहीं घूम पाए, उसके लिए थोड़ा सा दुख रहेगा, खेद रहेगा हमें, पर कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको शिमला का ब्लॉग दिखाएँ तो आप कमेंट कर सकते हो, तो हम स्पेशल घूमने के लिए आएंगे। और आप में से कोई चलना चाहता हो तो बता दीजिएगा, खर्चा आपका, गाड़ी हमारी, ठीक है। अभी हमको टाइम लग जाएगा करीब 3 से 3.5 घंटे पहुंचने के लिए, क्योंकि हम जा रहे हैं बिल्कुल आराम से, हंसी वादियों का मज़ा लेते हुए। अगर हमारी मासी जी होती तो और मज़ा आता। मेरे मास्टर जी बोल रहे हैं कि अगर हमारी मासी जी भी साथ में होते तो बहुत मज़ा आता। इनको बहुत याद आ रही है, अकेले है ना बेचारे, अब क्या करें। मासी नहीं, होगी नहीं मासी। हाँ समझ गया। मेरी मासी। तुम ना हुए मेरे तो क्या, तुम ना हुए मेरे तो क्या। मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा रहा, मेरे चंदा मैं तुम्हारा सितारा रहा। रिश्ता रहा बस रेत का, समंदर में तुम्हारा किनारा रहा। मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, तुम्हारा रहा। अभी टाइम हो चुका है 5:43 और अभी बात ऐसी है कि मैंने कैमरा ऑन इसलिए किया है क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं नाड़ू। नाड़ू बोलते हैं कि जहाँ से हम पानी ले सकें और अपने बोतल में भर सकें। और हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं पर हमें कहीं पानी नहीं दिख रहा। पर जब आ रहे थे तब हमें 2-4 दिखे भी थे, पर अब दिखाई नहीं दे रहे। और ये बात मास्टर ने मुझे याद कराई कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, मुझे याद नहीं रहा था। तो फिर अभी हम रुके हैं चाय पीने के लिए, तो थोड़ी देर बाद चलेंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लें। क्योंकि ये है मेरे मौसा जी और ये है हमारी बहना। तो आप देख सकते हैं कि आप कब से देख रहे थे कि कौन है मौसा जी और कौन है बहना, तो आप देख लीजिए अभी। और अभी चाय पीने के लिए रुके हैं और इसके बाद हम चले जाएंगे सीधे बिलासपुर। फिर हम कहीं नहीं रुकेंगे, सिर्फ जहाँ नाड़ू मिलेगा हम वहीं रुकेंगे। मौसा की एक चीज गुम हो गई, बाल। आप देख सकते हैं कि मौसा की एक चीज गुम हो गई, क्या? बाल। शिमला में रह गए, ये थोड़ा फनी था। ठीक है, बाय बाय। चाय पीने के बाद थोड़ी सी आंखें खुली हैं और अभी देखते हैं कि कितना टाइम लगता है घर पहुंचने में। अभी तो टाइम हुआ है 6-7, करीब 8 बजे तक हम घर में होंगे शायद। बाकी देखते हैं। अगर धामी पार कर लिया, अभी हमने धामी पार कर लिया है और धामी पार करने के बाद हम पार करेंगे, क्या करेंगे मास्टर जी? क्या आएगा? कराड़ा घाट। कराड़ा घाट, हाय हाय हाय, सूरज की किरणें हमारे साथ, क्या बात। तो दोस्तों, नींद से हो गया मेरा बुरा हाल और अभी मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो मुझे लगता है कि मैं घर पहुंच के वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो इस वीडियो को यही ख़त्म करना चाहूँगा। और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि अपने सजेशन मेरे कमेंट बॉक्स में डालें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बाकी हमें जिसकी तलाश थी यार, खट्टे 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 खट्टे, मैं बोल रहा था कि हमें जिसकी तलाश थी, किसकी, नाड़ू की, वो हमें नहीं मिला है। तो किसी और दिन उसको ढूंढने जाएंगे, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।